राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 13 जुलाई को लगाई जाएगी। आपसी समझौतों से निपटेंगे हजारों मामले, इसके लिए 40 खंडपीठ बनाए गए। सस्ता सुंदर सुलभ न्याय आम आदमी को मिले, इसके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन किया गया। इस अदालत की खास बात होती है, इस अदालत के फैसले अंतिम होते हैं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। पूरे देश के साथ रीवा में भी राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 13 जुलाई को लगाई जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले लगने वाली इस अदालत में सभी पक्षकारों द्वारा राजीनामा योग, सिविल दंडिक परिवार विवाद, चेक बाउंस प्रकरण, विद्युत एवं दुर्घटना दावा जैसे मामलों का निराकरण किया जाता है। सभी मामलों में आपसी राजीनामे से मामले निपटाए जाते हैं, इसलिए आम आदमी को सबसे सुंदर और सस्ता न्याय यहीं से प्राप्त होता है। इस बारे में रीवा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को जानकारी दी। पूरे भारत में नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई 2019 को आयोजित है, उसमें रीवा जिले में भी उस लोक अदालत के परिप्रेक्ष्य में 40 खंडपीठें बनाई गई हैं, जिसमें रीवा प्रॉपर में 24 खंडपीठ, मऊगंज में 5, देवथर में 4, सिरमौर में 5, हनुमना में 2, इस प्रकार कुल 40 खंडपीठ हैं। और इस लोक अदालत में जो भी राजीनामा योग्य, चाहे आपराधिक केस हों या दीवानी के मामले हों, विशेष करके चेक बाउंस के प्रकरण हों, मोटर दावा अधिकरण के प्रकरण हों, मोटर क्लेम के प्रकरण हों, बिजली के हैं, प्री लिटिगेशन के, जिसमें कि बैंक, बिजली, जलकर, दूरभाष और जो भी प्रकरण हैं, सब यहाँ रखे जाते हैं और उनके निराकरण के लिए उम्मीद है कि काफ़ी चारों ओर प्रचार प्रसार और लोगों का उत्साह रहता है, तो अच्छा प्रयास होता है और अच्छी सफलता भी मिलती है। हमारे यहाँ भी इस बार रीवा में करीब राजीनामा योग्य कुल जो क्रिमिनल केस हैं वो 1991 हैं, जो 138 जो चेक से संबंधित प्रकरण हैं करीब 2000 से अधिक, 2143 हैं, मोटर क्लेम दुर्घटना से संबंधित जो दावे हैं 1814 हैं, बिजली के प्रकरण करीब 2815 हैं और घरेलू मामले विवाह से प्रकरण संबंधित जो हैं शादी विवाह से 69 हैं और सिविल प्रकरण करीब 1543 हैं। इस प्रकार कुल 10,375 जो है कोर्ट में लंबित मामले हैं और प्री लिटिगेशन के करीब विभिन्न मामले 11,229 मामले हैं। प्रयास यही है कि इन अपनी ओर से अधिक प्रकरण निपटारा हो, जिससे कि समाज का भी कल्याण होता है और निर्णय में तो व्यक्ति की बुराई बची रह जाती है, एक पक्ष जीतता है एक हारता है, लेकिन लोक अदालत का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि बुराई का हमेशा से के लिए अंत हो जाता है और समाज में शांति होती है, जिससे कि देश का भी विकास होता है और स्थान का भी विकास होता है। और इसी कारण नेशनल लोक अदालत 13 मई 2019 को आयोजित की गई।